नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा फरवरी 2025 सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही राजस्थान पात्रता परीक्षा लेगा, यानी कि ये जो परीक्षा लगने वाली है आपकी फरवरी 2025 में आपकी परीक्षा लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर सभी को क्रैक करना है और सपोज कीजिएगा कि ये पेपर आज हमारा पेपर है और आज हमारा पेपर लग रहा है, क्या हम इसमें 75 से 80% बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। देखिएगा अपनी पात्रता यहाँ पर जांच लीजिएगा कि आप 18 से 19 लाख अभ्यर्थियों से कौन सी रैंक पर खड़े हो और वर्तमान में आपकी कौन सी रैंक आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लिए दोस्तों, यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को क्रैक करने की है। जो भी अभ्यर्थी नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा सभी का आंसर दीजिएगा, तैयार हो जाएगा दोस्तों यहां पर इस प्रश्न पत्र को पूरा क्रैक करने के लिए। सपोज कीजिएगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारा पेपर लग रहा है, पूरे दिल और दिमाग से इस पेपर को पूरा क्रैक कर दीजिए दोस्तों यहां पर, तभी जाके आप 16 लाख अभ्यर्थियों में से ये जो 30 से 31 हजार वैकेंसियां रेट लेवल 2 की, उनमें आपका स्थान पक्का हो जाए दोस्तों यहां पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर घग्गर का मैदान स्थित है, बताइएगा कहां पर है। झुंझुनू तथा सीकर जिले में, जालौर तथा सिरोही जिलों में, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में, या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बताइएगा भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन आपका राइट है यहां पर भीलवाड़ा, जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, सबसे ज्यादा भाग किस जिले में फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला का, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर जिले में फैला हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार और सबसे कम बात करें तो सबसे कम अजमेर में फैली हुई है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, राइट आंसर होना चाहिए सभी का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बीकानेर जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, बताइएगा पवन द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैंने यानी कि YouTube पर पोल में डाला था दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सबसे ज्यादा गलती की थी इस प्रश्नों में, मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि मैंने उसका आंसर नहीं दिया था। यानी कि आप लोग जब पोल में आंसर देते हो दोस्तों यहां पर, तो आप क्या करते हो, यानी कि सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी आंसर देते हैं उसी को टच कर देते हो। अरे भाई अपने आप पर पूर्णतः विश्वास रखो, उसका जो सही आंसर क्या था मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बता सकता हूं उसका, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में स्क्रीनशॉट बताऊंगा, अभी पेपर चल रहा है आपका पूरा, इसमें बीच में नहीं बता सकता। उसमें क्या हो, 1000 अभ्यर्थियों ने वोट दिया था, 1000 अभ्यर्थियों में से 11% ने सही आंसर दिया है और बाकी सभी अभ्यर्थियों ने गलत आंसर दिया है। भाई एक के पीछे मत भागो, जिसने आंसर दिया है वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास रखो, किसी पर विश्वास मत रखो दोस्तों यहां पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर देखिएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको डाला था वो क्वेश्चन ये है था कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है,
ये क्वेश्चन था। तो उसमें राष्ट्रपति दे रखा था, राज्य का राज्यपाल दे रखा था, मुख्यमंत्री दे रखा था और यहाँ पर प्रधानमंत्री दे रखा था, ये टाइप के क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया था, राष्ट्रपति पर ही क्लिक कर दिया था। अरे भाई राष्ट्रपति नहीं है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ध्यान रख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, रिट में पहले भी पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सातवें नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सात क्वेश्चन आपने राइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते चलो दोस्तों यहाँ पर और अपनी स्थिति का जायजा लेते चलिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, क्या आप उसको 80% क्रैक कर सकते हो इस पेपर को, कि अगर आपने 60 से 65% भी ये पेपर क्रैक कर दिया, थोड़ा टफ पेपर बनाया है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इस पेपर में कितने प्रश्न आपने सही किए। अगर आपके 40 से 45 भी सही है ना तो आप SST में बिल्कुल क्लियर पेपर को क्रैक कर सकते हो अच्छी तरीके से। देखिएगा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, बताएगा क्या होती है समरूपता, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है या फिर जलवायु और व्यवस्था की होती है, मृदा और जल निकास की होती है, आर्थिक और प्रजातियों की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सभी ने इसका आंसर दिया था राष्ट्रपति, जो कि गलत है, यानी कि YouTube के पोल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, 1998 में भी पूछ लिया गया और शायद 2007 और 2008 में भी ये एग्जाम में पूछ लिया गया था और 2018 रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, बताएगा राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री होता है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है हनुमानगढ़ में, गंगानगर, जयपुर या फिर टोंक में, आपका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना आवश्यक है हर 6 माह के भीतर या फिर कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व या फिर कार्यकाल की समाप्ति पर या फिर कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है, बताएगा थारू, कालाहारी, सहारा या फिर गोबी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थारू है ये कोई मरुस्थल का नाम नहीं है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एंडीज पर्वत उदाहरण है, बताना होगा बर्लित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या फिर अवशिष्ट पर्वत का, इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लित पर्वत का। जी हाँ दोस्तों, जो बर्लित पर्वत मालाएं होती है वो इस बल खाती हुई होती है, इस प्रकार की होती है जिस तरह से हिमालय है, अरावली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आकार की घाटी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है यू आकार की घाटी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम रीट के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमानी क्षेत्र में, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन आपका सही है सभी का, यहाँ पर राष्ट्रपति, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही थी, बताएगा कौन से जिले की रही थी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर की रही थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पद पर रहने वाले हैं, बताना होगा कौन थे प्रथम राज्यपाल राजस्थान के,
आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो ध्यान रखना राज्यपाल राष्ट्रपति मौर्य साम्राज्य, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। और अगर बात करें एक ही चैप्टर की तो संविधान, संविधान से 12 से 13 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के होंगे, उसके बाद अनुच्छेद भाग के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यहां पर ये ध्यान रख लेना, यानी कि अब जो कम टाइम मिला हुआ है इनकी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और जो ये पेपर है आपको ये 18वें नंबर का पेपर है, जो कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन का ऐप पर डाला जा चुका है। आप ऐप पर भी इस पेपर को अच्छी तरीके से देख सकते हो। वहां पर क्या होता है, ऐप पर डालने का हमारा मकसद यह है दोस्तों यहां पर, क्योंकि वहां पर एक तो आप पेपर को 10 से 15 मिनट में आप पूरा क्रैक कर सकते हो, एक जितने भी अभ्यर्थी ऐप के साथ जुड़े हैं उनसे अपनी रैंक हासिल कर सकते हो, उनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारी 500 अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक आ रही है। हमारी इस टेस्ट में हमारी यानी कि कोई 400 नंबर की आ रही है, फिर अगले टेस्ट में 300 नंबर की आ रही है, उससे अगले टेस्ट में और अच्छा सुधार आपका होगा तो यानी कि 200 भी रैंक आएगी। उसके बाद यानी कि जैसे जैसे आप अच्छे टेस्ट देते रहेंगे दोस्तों यहां पर आपका यानी कि जो याद होते रहेंगे क्वेश्चन, उसी तरह से आपकी जो रैंक है उसमें इजाफा होता रहेगा। टेस्ट सीरीजों का मतलब यही होता है। और कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे मिल रही है। ऐप का नाम ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, में बार बार आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर, उसमें कम से कम 10,000 से 9,000 क्वेश्चन आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस भूमध्य सागर से जो शीतकाल में वर्षा होती है वो इसी के मानसून से होती है दोस्तों यहां पर उत्तरी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य के प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास के द्वारा किस स्थान पर की गई थी, बताएगा। गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर ब्यावर। आपका राइट आंसर है यहां पर डी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर राजस्थान के किस जिले में है, तो ब्यावर राजस्थान के अजमेर जिले में है। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, नाम ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, द कृष्णा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। और जस्ते के साथ ही दोस्तों यहां पर सीसा, जस्ता और चांदी निकाली जाती है, चांदी में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, यह भी ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, माही, चंबल, बनास या फिर लूनी। तो आपका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा। देखिएगा यहां पर कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं यहां पर, और यहां पर कुछ साहित्य पुस्तिका दे रखी है। तो देखिएगा वीर विनोद, जंगा खेड़िया, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बिसल देव रासो, नरपत नाहले, खुमान रासो, दलपत विजय। तो इसमें से असंगत जोड़ा कौन सा है, पहचानिए, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है 24वें नंबर का क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों का 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है, कोटा, करौली, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिएगा, गलत जोड़ा कौन सा है, बताइएगा। देखिएगा जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव सुंदरम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखना जो शिव सुंदरम है ये केरल में नहीं है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नागार्जुन डैम है वो आंध्र प्रदेश
में है, जवाहर सागर है वो राजस्थान में है, गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं, बताइएगा राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य उपसभापति का चुनाव करते हैं, अपने बीच में से एक सदस्य का चुनाव करते हैं, उसको उपसभापति नियुक्त किया जाता है। और जो मेन जो सभापति होता है दोस्तों यहां पर वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका जो चुनाव है उसके बारे में तो आप जानते ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है, क्या होता है बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त, बताएगा राठौड़ का इतिहास, चौहानों का इतिहास, गुज्जर प्रतिहार इतिहास या फिर कछुआ का इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर चौहानों का इतिहास के बारे में पता चलता है, बी ऑप्शन आपका है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है, सरगासोली, जयपुर, व्याना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्याना दुर्ग। अब ये व्याना दुर्ग में है वो समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के बीमारू राज्यों का सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, बताएगा सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाला राज्य भारत का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और इसी के समक्ष अगर राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला अगर आपसे पूछता है तो धौलपुर हो जाएगा, वो भी याद रखना दोस्तों यहां पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा आंसर दीजिएगा, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा कौटिल के नाम से जाना जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है दोस्तों यहां पर सही आंसर दिया, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, अपने दोस्त व्हाट्सएप यूट्यूब कहीं पर भी जुड़े हो दोस्तों यहां पर। ये पेपर बहुत अभ्यर्थियों के पास पहुंचना चाहिए क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, इसी तरह के और पेपर आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई थी, राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा नारायणा में। अब ये नारायणा कहां पर है ये भी ध्यान रख लेना, नारायणा है जयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सूखे एवं अकाल का मानवीय कारक है कारण है, बताना होगा भूजल का अंधाधुंध, विध्वन, पारिस्थितिकी असंतुलन, वनों की अनियंत्रित कटाई, उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, बताएगा व्यवहारिक ज्ञान, समन्वित ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका सही है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36वीं नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रिय बनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा चावल कहां उत्पादन होता है, बताएगा किस राज्य में होता है। इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, संबंधित राज्य की है, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपयुक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि दो राज्यों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामबोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है, बताएगा जामबोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है, मुकाम बीकानेर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकाम बीकानेर में यहां पर जामबोजी का मेला लगता है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
40वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है बताएगा। ए ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स का काकेकस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हड़प्पा कालीन टीले की खुदाई में इसके 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष मिले हैं बताएगा। कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक जो फिल्म है दोस्तों यहाँ पर उनको जरूर देखा करो, एक लोकसभा, एक संसद टीवी चैनल है उसको जरूर देखा करो दोस्तों यहाँ पर, एक न्यूज चैनल को जरूर देखा करो, ये तीनों चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप खाते समय कभी भी आपके पास आध घंटे या 30 मिनट या 1 घंटे का टाइम निकाल के दोस्तों यहाँ पर न्यूज जरूर देखा करो, इससे आपका करंट नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से, आपको करंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रोज का न्यूज देते हो, न्यूज देखते हो, अखबार पढ़ते हो, इससे अगर आप यहाँ पर संसद टीवी चैनल जो भारत सरकार का है दोस्तों यहाँ पर अगर उस चीज को आप देखते हो यहाँ पर, तो उसमें संविधान का एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है आप लोगों के लिए, वो भी आप ध्यान रखना। और जितनी भी ऐतिहासिक फिल्म है दोस्तों यहाँ पर जैसे अंबेडकर और गांधी जी के जीवन के बारे में जितनी भी है उसमें भी संविधान का प्रारूप बताया गया है, संविधान के बारे में बताया गया है। मोहनजोदड़ो फिल्म का नाम है दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के ऊपर बनाई थी, वहां पर मोहनजोदड़ो जो नगर था वो यहां पर नदी के बहाव से 9 बार उजड़ा था और 9 बार ये बसाया जा चुका था दोस्तों यहां पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों यहां पर इसका। स्वतंत्र भारत के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन है बताएगा, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री, कौन फैसला लेता है बताएगा। युद्ध के जो अहम निर्णायक फैसले होते हैं, शांति के फैसले, युद्ध के फैसले, उनको भारत में कौन ले सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ले सकता है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, आपका सही आंसर है यहाँ पर गुलाबो, जी हाँ दोस्तों गुलाबो भाई, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आपको पूरी तरह क्रैक करना है, तो उसने यहाँ पर पेपर को तोड़ के रख दो पूरी अच्छी तरह से। और देखिएगा एग्जाम, जैसे जैसे आपकी एग्जाम आ रही है, जैसे जैसे आप पैनिक होते जा रहे हो दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों यहाँ पर। ऐसा हर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे डर ज्यादा होता चला जाता है, तो डर को बिल्कुल निकाल दो दोस्तों यहाँ पर, एग्जाम हो रही है आपकी, कोई टेंशन मत लो, एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए दोस्तों यहाँ पर, खुले दिल से दीजिएगा, जब देखना पेपर कितना अच्छा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रंबत लोक नाटक का प्रचलन किस जिले से हुआ है, राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रंबत बीकानेर, जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रंबत बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित है दोनों में, अगर दोनों में से अगर बीकानेर के अलावा जैसलमेर भी होता तो ये भी सही होता, कंफ्यूज दूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है यहाँ पर केरल, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है बताइएगा, तो बाघ परियोजना हो जाएगी नागार्जुन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, अलकनंदना, भागीरथी, धौला गंगा या फिर मंदाग्नि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत की परियोजना जरूर याद रख लेना, जो गंगा नदी पर स्थित है ना, जो भी परियोजना है, विद्युत परियोजना है, उनमें से एक पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर, 2-3 बार पूछी गई है रिट के एग्जाम में, आरपीएससी एग्जाम में गंगा नदी से संबंधित,
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताना होगा कौन सी फसल है, चाय, कपास, मक्का या फिर चावल, किसकी खेती बहुत अच्छी की जा सकती है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है, जो नदियों के बहाव में जो बहकर आती है दोस्तों यहाँ पर, उसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत अत्यधिक उपयोगी है कृषि की दृष्टि से, पैदावार की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को पराजित कर दिया था, अजात शत्रु, सेलुकस, कुणाल या फिर दीपक दामिफिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, बताएगा ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है, कहाँ का है ये, देखिएगा नल में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं और गुजरात के गिर में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं, दोनों में ही यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात इनके लिए बहुत फेमस है, तो नल एक पक्षी अभ्यारण है, साथ में यहाँ पर ये भी देखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, बताएगा अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे पर है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्दियों के समय बरसात होती है, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है, जाम्बूजी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी या फिर संत पीपा जी, तो इसका राइट आंसर बताएगा जसनाथ जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कचीपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, बताएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कचीपुड़ी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, जो कि सबसे गहरा ट्रेंच माना जाता है, प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद में या फिर भूमध्य सागर में, तो ये है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जी का मेला गंगा मेरी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है, बताएगा दूसरा मेला कहाँ भरता है, आपको बताना है राइट आंसर, तो दूसरा मेला भरता है यहाँ पर गंगा जी की औल्ठी सांचौर में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गंगा जी की औल्ठी सांचौर में भरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देव नारायण जी का संबंध किससे है, आपका सही आंसर हो जाएगा, देव नारायण जी का जो संबंध है वो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गुजर जाति के ये आराध्य देवता माने जाते हैं देव नारायण जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन एसएसटी का, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी, अमलानंद घोष, राय बहादुर दयाराम साहनी, विजेंद्र नाथ बिष्ट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा अब आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है एसएसटी सामाजिक अध्ययन में दोस्तों, यहाँ पर जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर बताएगा प्रत्येक अभ्यर्थी, क्या आपके 40 से ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं क्या, जरूर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, और पेपर आपका कैसा लगा जरूर बताएगा। ये पेपर आपको ऐप पर डाला जा चुका है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर, अब वहां जाके अगर आप प्रैक्टिस करोगे सारे पेपरों की तो आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पेपर देखने के लिए, एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। इसके बाद आपका जो वीडियो नंबर होगा वो यहाँ पर 52वें नंबर का वीडियो होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया जाएगा।